यार बट थोड़ा सा मूड हो गया यार मेरा, वहां भी जाने नहीं मिला, मैगी भी नहीं मिली। Hey guys, what's up? My name is Krishna and welcome or welcome back to my channel. आज है 16 तारीख और आज जो है वो हम जाने वाले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए लोनावाला वगैरह, जो कि मैंने कल मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे बताया था कि हम जाने वाले हैं। अभी वैसे सुबह के 7:30 हो रहे हैं, इतनी भी अर्ली मॉर्निंग नहीं है, बट बिकॉज माई मॉम इज अ टीचर, उनका ऑनलाइन सेशन चालू है। So we have to keep our voice down. अभी अभी मैं उठा हूँ, भाई अभी तक सो रहा है। So I'm just gonna make tea quickly, have a cup of tea. वैसे मैं सुबह उठते सबसे पहले चाय नहीं पीता, मैंने उठने के बाद पानी वानी पिया है। And you should not have tea as soon as you wake up in the morning. It's not good for your health. तो उठ के मैंने पानी पिया है, फिर after 10-15 minutes I'm gonna make tea. फिर हम लोग चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद रेडी वेडी होके नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलें या व्हेन वी गो देन वी हैव अ बिग ब्रेकफास्ट वंस वी रीच होते हैं। तो ये चीज़ पहले चाय पी लें, स्टेप बाय स्टेप रीच देयर। सुबह ज़रा थोड़ा सा धीरे धीरे प्रोसेस कर रहा है मेरा दिमाग, बट विल इवेंचुअली बी देयर। सो लेट्स मेक टी क्विकली एंड देन लेट्स वेक माई ब्रदर अप एंड देन लेट्स सी कि हम कितनी देर में निकल सकते हैं, क्योंकि वो रेडी होने में बहुत टाइम लगाता है। ओके, तो ब्रेकफास्ट हो गया, चाय वाय सब पी ली, वो सब हो गया। एक्चुअली निकलने निकलते थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ब्रेकफास्ट करके ही जाते हैं। सो वो भी हो गया है, नाउ वी जस्ट हैव टू गेट रेडी। भाई मैं तो रेडी होने ही जा रहा था, बट मैंने कहा भाई तुम लोगों को अपडेट देना जरूरी है, तुम लोग जब साथ में चल रहे हो, तो बस एक छोटा सा ट्रांजिशन करेंगे और हम रेडी हो जाएंगे इन 3-2-1। तो रेडी तो हम हो चुके हैं, मतलब मैं तो हो गया, अभी शिवम वहाँ पे रेडी हो रहा है और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमें कहीं जाना होता है ना, तो वो निकलने के टाइम पे एकदम याद आती है कि ये करना है, वो करना है, ये लेना है, वो लेना है। तो वो सारी चीज़ें कुछ भूलें ना, स्पेशली जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें से, जैसे कि मेरा ट्राइपॉड है उसके बिना शूट कैसे करूँगा। तो वो सारी चीज़ें एक बार लेके जब निकलेंगे तो उस समय वीडियो बनाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले 5-10 मिनट में हम फटाफट निकल लेंगे, बट अगर टाइम लगता है तो क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गो। ओके, तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि मेरा ट्राइपॉड मुझे नहीं मिल रहा है, बड़ी देर से मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट नहीं मिला। तो अभी हम निकले हैं, आई एम गेसिंग कि शायद से मेरा ट्राइपॉड कार में रखा है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। सो लेट्स सी, अभी जाके देखते हैं क्या करें। यार कार थोड़ी गंदी हो गई है बारिश की वजह से। ट्राइपॉड है, चलो गाड़ी में बैठे अभी जाते पे। सो एक सेकेंड जरा इसे सेटल कर ले, अरे तुम लोग को दिखा दे कि भाई हमने पहना क्या है, बताना जरा कैसा लग रहा है, इसका आउटफिट है। अभी जाते टाइम जो है वो मेरा भाई गाड़ी चलाने वाला है एंड रिटर्न में मैं कार चलाऊंगा। जाते पे कार वो इसलिए चला रहा है क्योंकि मुझे ब्लॉग शूट करना है। जब आप लोनावाला जाते हैं ना, तो जाते टाइम एंगल थोड़ा डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब लोनावाला जाते हैं तो जाते टाइम वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक तो जो न्यू हाईवे तुम्हारा वो, और एक जो ओल्ड हाईवे। तो हम ओल्ड हाईवे लेंगे क्योंकि वहाँ का ना जो सीनरी है आजू बाजू की, दोनों साइड पेड़ वगैरह, वो बहुत सुंदर लगता है। इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल। तो मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली मेरे भाई को बोला कि भाई ओल्ड हाईवे से चलते हैं,
एंड सो वहाँ से जाएंगे, तुम लोगों को दिखाएंगे कि कैसा है वो, बहुत सुंदर है वो देखने में, तो वो सब दिखाना है मुझे वो शूट करना है, आई वांट टू शो दैट यू गाइस, इसलिए जाते पे मेरा भाई गाड़ी चलाएगा, आते पे गाड़ी मैं चलाऊंगा, एंड रात में जो है वो हमारा डोसा खाने का प्लान बन रहा है, सो रात में हम डोसा खाने जाएंगे, अभी हम लोनावाला जाएंगे, सो दिन थोड़ा सा प्लान है, ये जो डोसे वाला है वो नेरुल में है, एंड मेरा एक फ्रेंड है आदित्य भाई, तो उसने बताया है कि भाई वो बहुत अच्छा डोसा बनाता है, तो उस पर भरोसा करके मैं वहाँ जाने वाला हूँ, सो लेट्स सी हाउ एक्चुअली दैट प्लेस इज, इफ इट इज़ गुड, इफ इज नॉट, अगर अच्छी है तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, अगर नहीं है तो भी मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, भाई मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, बट जो है सच है तुम्हारे सामने। तो अभी बड़े भैया का हो रहा है इंतजार, देखते हैं कितने सालों में आएंगे वो, तो जब तक हम शिवम के आने का वेट कर रहे हैं, तब तक मैं तुम लोगों को मेरी जो कार है एस्प्रेसो, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, इट्स अ रियली गुड कार, आई लाइक इट वेरी मच, मैं तुमको उसका एक इंटीरियर टूर एंड एकदम सिनेमैटिक सा वीडियो दिखाता हूँ, सो दैट्स कमिंग अप ऑन स्क्रीन राइट नाउ। चलो फाइनली ये क्या करता है, नहीं तो इतना टाइम लगाता है, ये आ गए हैं भाई साहब हमारे, फाइनली आफ्टर आई डोंट नो लाइक 10-15 मिनट्स 20 मिनट्स 27 मिनट्स पता भी नहीं आया, मैंने टाइमर लगाया फिर मैं ही भूल गया, 2 घंटे, अरे फोन गिर गया मेरा, इतना भी झूठ मत बोलो, अभी झूठ बोलो। तो अब फाइनली एंड आफ्टर फाइनली टाइम, हम निकल चुके हैं लोनावाला के लिए, अब जाएंगे और आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि द रोड इज रियली ब्यूटीफुल, जो ओल्ड हाईवे है लोनावाला का, तो तुम लोगों को वो दिखाऊंगा मैं कि कैसा दिखता है। अभी हम यहाँ से निकले हैं और सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस, कहाँ, सो या लेट्स गो, और द नेक्स्ट क्लिप दैट यू सी इज कि भाई हम गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं, और उसके बाद का द नेक्स्ट क्लिप दैट यू गोना सी इज द ओल्ड हाईवे ऑफ लोनावाला, लेट्स गो। लगा डिक्की खोल गए ऐसे बहुत होते रहते, कोई नई बात नहीं है, हम आए थे यहाँ पेट्रोल डालने, तो उसमें कार में नीचे वो होता है भाई पेट्रोल का वो खुलवाने का, ये भाई साहब जो हमारे डिक्की खोल दिया जाके हीरो है हीरो। तो भाई यहाँ पे जब लोनावाला की तरफ जाते हैं ना, तो एक रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे ना एक ओह स्कूटी के ऊपर डॉगी को बिठा के लेके जा रहे थे वो अपने, तो लोनावाला जब जाते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है जहाँ पे ये प्लेन पड़ता है, वो दिख रहा है, तो मुझे अभी दिखा और मैंने किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखा था कि यहाँ जाते हैं तो आप बाइक भी अंदर ले जाके और वो प्लेन के पास तक जाके फोटो वोटो खींच सकते हैं, ऐसा मैंने देखा था, तो हुआ ये कि वो लेफ्ट जो है वो हमसे गलती से मिस हो गया, तो हमने गाड़ी उधर पीछे पार्क करी है और अभी हम चल के जा रहे हैं, फिंगर क्रॉस एंड होपिंग कि भाई जाने मिल जाए, वो मना ना करे,
अगर जाने मिल जाता है तो भाई वहाँ जाके जरा फोटो वोटो खींचेंगे और देखते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो हम कहीं गलत जा रहे हैं या भगवान जाने कि वो बंद हो गया है, दोनों में से कोई एक चीज़। बट अब वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। है ना, है ना, मैंने भी देखा है कि वो बाइक वाइक लेके आते हैं और उसके बाजू में जस्ट खड़े होके उसने फोटो वोटो खिंचवाई है। ज्यादा दूर है कि आज ज्यादा दूर नहीं है, आगे हाईवे से लेफ्ट मार के उधर ही ना। ठीक है चल फिर वापस उधर जाके करते हैं। एंड फाइनली आई कैन सी द प्लेन, सामने ही है वो। आई डोंट नो अंदर जाने मिलेगा कि नहीं, बारिश आ गई है फिलहाल तो। यार उन्होंने प्लेन बंद कर दिया, रुको मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है ये देखो। लाइन होके चलते हैं। हाँ ये लड़का आ गया, इसने बाद में ये 100 रुपये एंट्री ली थी, इसने ऐसी ठोकी है मुझे लग रहा है। अच्छा तो अभी हुआ ये है कि देखो प्लेन है पीछे वो ठीक है। द ओनली रीजन व्हाई आई वांटेड टू गो देयर इज बिकॉज बीच सड़क पे ऐसे बीच उसमें खड़ा हुआ अच्छा लगता है। और ये जो प्लेन है ना, ये एक्चुअली नाउ आई विल टेल यू द होल स्टोरी कि ये शूटिंग वूटिंग के लिए काफी यूज होता है। जैसे अपनी MS धोनी जो मूवी है उसमें शूटिंग के लिए, अभी वो बंदे ने बताया तो ये था कि चलो ठीक है रास्ते में है, एक बार देखते हुए जाते हैं वहाँ पे फोटो खींच लेंगे। बट वो बता रहा है 100 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस एंड सी द अमाउंट इज नॉट टू बिग बट इतना वर्थ इट नहीं लग रहा। और बारिश बहुत तेज आ गई है तो ऐसा भी नहीं कि भाई हमें बहुत अच्छी फोटो मिल पाएगी। लेकिन मैं तुम्हें सामने का व्यू दिखाता हूँ जो बड़ा अच्छा लग रहा है। I just like the sound of it. तो भैया अभी हम रुके हैं, ये आपको पहले पीछे का नजारा दिखा दें। ये रहा नजारा और ये रहा कुल्लड़ वाली चाय। चाय बहुत अच्छी है, मौसम बढ़िया है, चाय बढ़िया है यार। उन्होंने वो जगह बंद करी हुई है, मैंने ये बोला था कि शायद जाने ना मिले और सच हो गया। और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है पीछे, हद पार ट्रैफिक है। तो हो गया हमारा लॉल एंड वी कुडंट इवन सी द वॉटरफॉल। अब मेरे को ये बताओ मैकडी, अब हम जाएंगे मैकडी, मैकडी में जाके मैकडी खाएंगे और क्या खाएंगे। तो अभी यार मैगी खानी थी यार, यहाँ राइट ले यार। बट मैगी खाने का बड़ा मन था। एक काम करते हैं यार, मैगडी खा के फिर मोरबे डैम चलते हैं। चलो डन, है ना। मैं तुम लोगों को मोरबे डैम दिखाता हूँ कैसा है, बढ़िया जगह है वो भी एकदम। तो मोरबे डैम चल के आप लोगों को वो दिखाएंगे। अभी यहाँ तो खाने मिला नहीं, उसके बाद डोसा खाने जाएंगे। सो अभी मैगडी खाने के बाद चलते हैं, तब चलते टाइम आप लोगों को दिखाते हैं। तो इतना सारा खा लेने के बाद अब नींद आ रही है, लेकिन अभी रिटर्न में कार चलानी है मुझे, मुझे ड्राइव करना है अब। और हम जाएंगे इसके बाद यहाँ से मोरबे, हम यहाँ से जाएंगे मोरबे। तो आपको दिखाएंगे हम मोरबे कैसा है। सो वो इट्स बेसिकली अ डैम दैट इज बेस्ड इन कर्जन। एनीवे सो द नेक्स्ट ट्रिप दैट यू सी इज गोइंग टू बी ऑफ मोरबे डैम इन 3, 2, 1। हम आए थे मोरबे डैम, यहाँ पीछे जो है, यहाँ पीछे से रास्ता है मोरबे डैम जाने का। वहाँ पे उन्होंने रोड बंद करी हुई है, वहाँ कुछ काम चालू है, सो उसकी वजह से तुम हम मोरबे डैम भी नहीं जा पाए।
ओके सो पहले तुम लोग बता दो तुम लोगों को जगह कैसी लगी? Awesome. तुझे कैसी लगी? बढ़िया. तो हम मोरबे डैम तो नहीं जा पाए बट यहाँ पे एक लोकल बंदा था, हमने उससे पूछा कि भाई यहाँ और कुछ है, तो उसने बताया कि एक रास्ता आता है वहां से आगे जाके जो है वो एक जगह है, ठीक है. एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा 2-5 मिनट लगा है पहुंचने के लिए बट इट वॉज वर्थ इट. अभी यहाँ बारिश तेज आ गई, हम लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा भीग गए हैं. तो नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कि कैसी है क्या है. वहाँ का रास्ता बहुत बढ़िया है और वो जगह भी बहुत बढ़िया है. सो इन द नेक्स्ट क्लिप यू गोना सी दैट प्लेस, यू गोना सी व्हाट इज देयर, द वे टूवर्ड्स दैट प्लेस एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद में हम लोग सीधा जा रहे हैं घर, देन वी विल चेंज एंड वी विल गो टू ईट दैट डोसा वाला थिंग जो मैं सुबह से बताता आ रहा हूँ. तो बट वहाँ पे सिर्फ मैं और भाई जा रहे हैं, कस्तूरी नहीं होगी हमारे साथ. तो वहाँ हम डोसा खाएंगे एंड आई थिंक सो कि दैट रात हो ही जाएगी, सो दैट विल बी ऑल फॉर द व्लॉग, फॉर टुडेज व्लॉग. बट नेक्स्ट क्लिप में वो जगह देखो एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू गोना लव इट. जैसे कि मैंने बताया था कि हम इधर नेरूल में एक जगह है डोसा खाने जाने वाले थे हम लोग, बट थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान ये हो गया है कि पापा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है. तो अभी हम पहले प्रायोरिटी पे जा रहे हैं डॉक्टर के पास, एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे फिर देखेंगे वो क्या बोलते हैं, और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे क्या स्टेटस है कि हम डोसा खाने जा पाएंगे कि नहीं. मैंने सुना है कि वहाँ का डोसा काफी अच्छा होता है बट अब वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा. तो लेट्स गो, थोड़ा जल्दी पहुंचना है क्योंकि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है एकदम एंड मोमेंट पे, तो जरा जल्दी निकलना पड़ेगा. ओके तो डॉक्टर से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, देयर इज नथिंग एज सच. तो अभी मैं और भाई जा रहे हैं डोसा खाने के लिए. मतलब मैं हाइप नहीं कर रहा हूँ बट अच्छा होता है डोसा वहाँ का. एक बार खाइए, दो बार आइए होता है भाई ने. चलो अभी जरा डोसा दिखाते हैं. और ये आया डोसा, आया डोसा, आया डोसा. क्या बोल रहा है वो? लाल चटनी नहीं है. खा के बता कैसा चटनी कैसी है भाई? तो कैसा लगा डोसा? अभी दूसरा मंगाया है, हमने और एक डोसा मंगाया है, दिखाएंगे. डोसा बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है. तो अगर तुम कहीं पे भी नेरूल में रहते हो या नवी मुंबई में रहते हो तो सीवुड ग्रैंड सेंटर मार्केट के सामने है जगह तिरुपति डोसा, बहुत बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी डोसा है इसका. तो आगे ज़रूर खाना, और अगर आओगे तो पता इंस्टाग्राम पर DM करके बताना मुझे कि यहाँ पे आए थे. तो अब हम दूसरा डोसा ज़रा इन्जॉय करते हैं. डोसा खाने के बाद कौन चाय पीता है? मैं. उस हिसाब से तो हगने से पहले ही धो लेता होगा. सही बात है. चलो भैया डोसा वोसा खा लिया, जल्दी से जाएं बारिश आने से पहले, गाड़ी में बैठें और निकले. तू भी पीछे बैठ रहा है? नहीं नहीं मैं अभी आगे चला जाऊंगा चलाने के लिए, वहां तक तो पहुंच जाए. इसका अच्छा है डोसा. हाँ डोसा सही में बहुत बढ़िया था, लेकिन वही है 100 रुपए के करीब का देता है. हाँ बट उतना तो लेगा ही ना. बट नहीं नहीं कम था. हमने चार डोसा बहुत खाया. आज का ब्लॉग जो है वो बस यही खत्म करते हैं. अभी आगे तो कुछ है नहीं, घर जाएंगे सोएंगे. अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट विल प्रोबेबली बी समवेयर टुमारो और द नेक्स्ट वीक, आई डोंट नो. लाइक ऐसे आ रही है. सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.
बारिश आ रही है, बारिश आ गई, भागने क्या? बच गए, वो बच गए।